राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मानसून खत्म होने के साथ ही पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक प्रसाद ने बताया कि कुल 11 चरणों में चुनाव होंगे। अधिकतर जिले में 10 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 24 सितंबर को शुरू होगा और आखिरी 11वां चरण 12 दिसंबर को समाप्त होगा। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अंतिम 11वें चरण में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम द्वारा करवाया जाएगा। इस ईवीएम को लगातार विभाग ट्रैक करता रहेगा। आचार संहिता का पालन पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अलावा सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों को भी करना होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाएं प्रभावित होंगी। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग से मिले फंड से संचालित योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रभावी होगी।